हे गाइस, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक मजेदार ब्लॉग। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए चलते हैं अभी अंदर कमरे में। ये देखिए, दोनों टोस्ट लेके घूम रहे और खा रहा है, नहीं सिर्फ बिगाड़ा बिगाड़ा कर। सो गाइस, वो तो गए दुकान पे और मैं बना रही हूँ मेरे लिए पराठा और चाय। ना मैं क्यों दूंगी थोड़ी सी, प्रॉपर चाय नहीं देती मैं, उसको दूध बना के देती हूँ उसके अंदर। तो चलिए फटाफट बना के मैं खा लेती हूँ, मुझे भूख लग रही है। तो गाइस, मेरा पराठा रेडी हो गया है, अब मैं फटाफट से खा रही हूँ पराठा। जिसको भी खाना हो मलाई और पराठा, वो फटाफट से आ जाइए मेरे घर पे खाने के। सो गाइस, आई होप आप लोगों ने भी नाश्ता कर लिया होगा मेरी तरह, जैसे कि मैंने कर लिया है। अब नाश्ता तो हो गया, मैं नहा भी ली, सफाई भी हो गई, गैस भी साफ हो गई। अब क्या बचे? अब बचे हैं मेरे बर्तन। तो फटाफट से मैं बर्तन धो लेती हूँ और फिर उसके बाद फिर बनाऊँगी कुछ खाने का। अभी तो खाली नाश्ता करा है एक परांठे से, उससे क्या होता है। तो देखती हूँ अभी क्या बनाऊँगी खाने के लिए। तो जाने के लिए आप लोग बने रहिएगा मेरे। मेरे बर्तन तो हो गए, तो बर्तन करने के बाद अब मैं थोड़ी सी यहाँ पर कर लेती हूँ तराई, क्योंकि हमने ये बनाया था, आपको बताया था, रैम बना रखा है और रोड भी बना है। तभी टैंकर आया था, पर देखिए पानी जगह जगह कोनों में नहीं डाल पाता हूँ, तो मैं खुद ही डाल देती हूँ और पौधों को भी पानी मिल जाएगा। देखिए वहाँ की पूरी जगह खुली है, कहीं पानी पड़ा है कहीं नहीं पड़ा, क्योंकि टैंकर तो कोने कोने में नहीं घुस सकता, इसलिए मैं खुद ही पानी डाल रही हूँ। ये देखिए हमारे यहाँ पे तो पौधा है, कितना सुंदर लगता है पीले फूल का पौधा, इतने सुंदर सुंदर फूल आ रहे हैं इसके अंदर। अरे देखिए, शैतानी करने के लिए आ गए हैं यहाँ पे। पानी तो ना पीते इसका पागल लड़का, पागल है बिल्कुल। मान जा मान जा मान जा, गिर जाएगा, छोड़ दे पाइप को। तो चलिए गई वहाँ की तरह तो हो गई, अब अंदर पौधों को ही पानी पिला देते थोड़ा सा। देखिए कल ही पानी पिलाया था, फिर से खरा सूख गया, गर्मी तो तेज पड़ रही है। पहले नींबू के पेड़ में डाल देते अच्छे तरीके से। ऐसा लग रहा कब से पानी नहीं पिलाया हो, देखिए कितना सूखा पड़ रहा है। वो कितना पानी डाल रहा है पर पानी सूखता ही जा रहा है। देखिए गर्मी ही इतनी है, सो गाइस अभी मैंने कर दी है पूरी चौक की सफाई पानी डाल के। और आप गीले हो जाओगे आप पहने तो, क्योंकि गंदगी हो रही थी बहुत ज्यादा। और ये बार बार ही हमारा पाइप निकल जाता है, देखिए बार बार इसको लगाना पड़ता है। चलिए फटाफट से मैं झाड़ू वाड़ू निकाल देती हूँ, सारा गीला हो चुका है। ये देखिए फिर से निकल गया पाइप। तो फटाफट से मैं झाड़ू लेके सफाई कर देती हूँ। तो गाइस पहले मैं कैमरा रखती हूँ वरना कैमरा गीला हो जाए। सो गाइस पूरा चौक धुल चुका है मेरा और ये भी चिल्लाने लग गया, इसको मैंने हिला दिया मैंने। अब ये देखिए पूरी सफाई हो गई। सो अब जल्दी से मम्मी को कर लेते हैं रेडी और फिर बाकी के काम कर लेती हूँ, बहुत तंग करता है। गाइस नमे भी हो गया है नहा के तैयारी, देखिए शक्ल इसकी, अब मैंने इसकी गाल पर टीका लगाया है और ये
तो गाइस मेरे आलू बॉइल्ड हो चुके हैं, प्याज और मिर्ची कट गई है, अब मैं इसको इसमें मिला देती हूँ। अब इसमें मैं मिला लेती हूँ मिर्ची, नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, नमक, और थोड़ा सा आमचूर। सो चलिए गाइस फटाफट बना के खा लेती हूँ मैं, तब तक आप लोग वेट करिएगा बनने का। सो गाइस फाइनली मेरा पराठा बन के हो चुका है रेडी, अभी ओनली वन ही बना है, एक अभी रहता है, अभी सिर्फ दो ही बनाए हैं मैंने, ज़्यादा नहीं बनाए क्योंकि आलू भी नहीं थे इतने। सॉरी देखते हैं, मेरा कैमरा नहीं टिक पा रहा है, लेकिन फिर भी मैंने टिकाने की कोशिश की है, तो फटाफट से गैस की सफाई वफाई भी कर लेती हूँ मैं, ताकि जल्दी जल्दी से मैं खा सकूँ, खा लूँ पराठे को। तो आप लोग बनाइए और खाइए, मस्त रहिए घर में, खाने पीने के लिए जिंदगी है यार, खाइए। सो गाइस धीरे बोलो, कौन आया और ये खा रहे हैं आइसक्रीम, जबकि इनको जुकाम हो रहा है उसके बावजूद भी आपको भी दिखाएंगे, आपको भी दिखाएंगे, डोंट वरी। आदि भी आए हैं और इनका मुंह देखिए आदि का, हटाना और यहाँ अकेले अकेले खाई जा रही है आइसक्रीम, ना तो मेरे को ये पूछ रहे ना तो मेरे को वो पूछ रहे, और मेरे पति लेके नहीं आए मेरे लिए, मेरे लिए क्यों नहीं लाए भैया, इतने प्यार से लाए, इनको पता ही नहीं था कि मैं घर पे हूँ, इनको पता ही नहीं था कि मैं घर पे हूँ, मेरे को आदि का पता है। सो गाइस इसको बोलते हैं शेयरिंग, सोनिया जी की झूठी खाने को मिली मेरे को, खाने तो मेरे को पहले समझे खानी हो, दुकान पे जाओ पैसे खर्च करो लेके आओ खा लो। मारो भी कम्प्लीट नो आज तुम लोग, लड्डू दिखावा की जिन्होंने बना लीजिए, खाई भी ना बनाया लाइक है, देखो बहुत सारी आपको खिलाए पपीता आना और डिनर भी खा के जाना, पका हुआ रखा है थोड़ा मैंने, ठीक है पपीता, पपीता खाए डिनर यहीं पर ही आज, ओके। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सो अभी होने लगी है शाम, शाम के बज रहे हैं 4, सो आज हमने बुलाया है सोनिया जी को खाने पे, एक्चुअली काफ़ी टाइम से वो बोल रहे थे कि इनको चावल खाने हैं, लेकिन उनको खुद को टाइम नहीं मिल रहा था आने का, तो अभी वो देवली आए हुए हैं, तो घर आए थे तो मैंने इन्वाइट कर दिया, तो बस अब मैं तैयारी करना चाह रही हूँ चावलों के लिए, फटाफट से प्याज व्याज काट लेती हूँ, इतने वो भी आ जाएंगे, तो निक्की वो आ जाएंगे थोड़ी वो सब्जियाँ लेके, तो फटाफट से मैं तैयारी करती हूँ, प्याज हरी मिर्च काटना शुरू करते हैं। सो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग के साथ, देखिए मज़ेदार मस्ती के किस्से विद सोनिया जी। काली गल पे आइए, लादो को यहाँ से दिखाओ, यहाँ से काली काली दिख ली है, लादो आ गई गल पे, चौधरी जी हंस दे बेटा, वो जब लाई तो जब भी पंखा क्या ए सी चलाऊंगी तेरे लिए बेटा, चिंता मत करे तू, तेरे लिए तो ए सी लगवाऊंगी घर में तेरे लिए, हाँ देखो देखो हंस रही है, देखो बाबू कौन आया, छोटी बाबू आई। तो गाइस अभी हम बना रहे हैं रील्स सोनिया जी के साथ, एक रील तो हमारी बन चुकी है बाहर की, स्टोरी टाइप वीडियो बनाई हमने, और स्टोरी नहीं मतलब ऐसी कंटेंट वीडियो है, सो आप लोग देखिएगा आईडी पे जाके और सपोर्ट करिएगा, और ये देखिए लड्डू को, लड्डू की जीत देख रही है और ये रो रहा है फोन के लिए। सो गाइस मम्मी भी आ गई गांव से, तो मम्मी भी कर रही है दूध गरम, और मैं बना रही हूँ फटाफट चावल, प्याज तो मैंने ऑलरेडी छील के रख दी थी, तो इतने सोने दिया था फटाफट से, वो तो खाली खाली जाए थी गुड़िया के लिए ना बस, तो फटाफट से चावल। सो गाइस सोने जी हो रहे हैं लेट और फटाफट मैं बनाने चावल, तो मेरी गरम मसाला भी रेडी है, चावल प्याज भी रेडी है, टमाटर भी रेडी है, और तेल भी गर्म हो चुका है, और मेरे चावल भी उबल गए हैं, तो बस फटाफट से बना लेती हूँ, क्योंकि उनको मसाला डाल चुका है फटाफट से, प्याज फ्राई हो गया तो टमाटर डाल दूंगी, इतने में चावल देख लेते हैं। आदि को देखिए सर पे आके खड़ा हो गया मेरे लड़का, ये लड़का मेरे सर पे आके खड़ा हो गया, सर पे आके
तो गाइस फाइनली चावल बनने लगे हैं और आज चावल कुछ ज़्यादा गल गए मेरे। चावल ज़्यादा गल गए लेकिन चलिए पूछते हैं इनसे कैसे बने। कैसे बने, कैसे बने अभी? ये ब्लॉगिंग कर रहा है, मस्त बने, थैंक यू। अब इसको भी खिलाना बना रहा, बुरा हाल कर दे। तो ये देखिए इनकी गुड़िया रो रही है, तो बहुत ही फास्ट खाना खाया है इन्होंने। ये देखिए रो ही जा रही है मम्मी के पास, कितने बजे सोने के लिए करते हैं, इसको नींद आ रही है। और आज ये तो दाब गया, देखिए चावल छोड़ दिए इसने और दही सारी खा गए। और कुछ पानी पर सोनिया जी गई वापस, लेकिन हम क्लिप नहीं बना पाए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी इनकी छोरी। हाँ ठीक है चलो ओके। तो अभी ये देखिए रो रो के अब खा रहा है ये चावल, और इधर मेरी सब्जी भी होगी रेडी। फटाफट अब मैं सब्जी रोटी बना लूँ ताकि मम्मी का व्रत खुल जाए, मम्मी ने व्रत रखा है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं खाना। तो गाइस अब मैं भी खाने जा रही हूँ खाना, तो मुझे लग रही है भूख, तो जिस चीज़ को खाना खाना हो तो आ जाइए फटाफट से खाने के लिए। तो चलिए गाइस इनसे पूछते हैं खाना कैसा बनाए, अब ये बताएंगे चावल कैसे बने। चावल आज ज़्यादा गल गया, आज मैं नीतू दीदी घर चली गई, लेकिन अच्छे बने। चटनी कैसे बनी टमाटर की, देखिए अब आपको नहीं दिख रही दही है, अब नहीं खाएगा, मैं खा रही थी फटाफट आ गया था खाने के लिए, अब तो फोन में घुस गया। सही बना खाना, ठीक है गाइस इनको खाना देते हैं और हम लग रहे हैं कैमरा। सो गाइस आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो आप मिलते हैं कल के ब्लॉग के लिए, ज़रूर वेट करिएगा और पूरा देखिएगा ब्लॉग। थैंक।